हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी गार्डन में। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं छोटा सा किचन गार्डन बनवाया हुआ है सर। तो इधर देख सकते हैं, ये पूरा जो देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। फ्रेंड, इसकी पूरी अच्छे से सफाई की है, जो सफाई करने में मुझे 3 दिन लगा है। ये आप सोच सकते हैं कि 3 दिन में क्या किया, लेकिन आपको दिखाते आएंगे। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं ये गुआवा का प्लांट है फ्रेंड, और ये बहुत बड़ा सा हो गया है। इसमें फ्लावर भी आने लगा है, लेकिन इसको सफाई किए भी, इसमें कंपोस्ट वगैरह नहीं डाले। उधर में एक पपाया यानी पपीता का प्लांट है, उधर में देख सकते हैं नींबू, ये बारहमासी नींबू है फ्रेंड। कुछ दिन पहले तक इसमें फ्लावर नहीं आता, लेकिन अब पूरा भर भर के फ्लावर भी आ रहा है और इसमें फ्रूट्स भी बनते जा रहा है। कुछ तो बड़े बड़े भी हो गए हैं, पीछे देख सकते हैं बड़ा भी हो गया है, और ये फ्लावर भी बन रहा है, बर्ड्स भी बन रहा है। इसमें भी अच्छे से कंपोस्ट वगैरह डाले हैं, लेकिन हर 15-15 दिन पर डालेंगे और इस पर ये करेंगे तभी अच्छे से फल देगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रो बैग में लगा हुआ था, बहुत बड़ा सा प्लांट हो गया था। इसकी टहनी देख के आप समझ सकते हैं, तो इसको पूरा कट कर दिए थे, तो नया नया जो भी इसमें से ब्रांच निकला है। ये जो है धतूरा का प्लांट है फ्रेंड, और इसमें बर्ड्स भी बनते जा रहा है, और देख सकते हैं इसको ग्रो बैग में से निकाल करके इसको एक आटे का जो बोरी होता है उसी में लगा दिए हैं। तो ये इसमें भी अच्छा रहेगा, और नीचे में एक जो था कार्टून उसमें रख दिए ताकि ये इधर से उधर हवा चलते और गिर जाता है। इधर में कुछ मालावार इसमें नीचे, और देख सकते हैं ये जो देख रहे हैं, देख सकते हैं ये चीकू का प्लांट है फ्रेंड, और चीकू भी इसमें लगा हुआ है। ये देख सकते हैं इधर में एक है, एक यहाँ पर भी है, एक थोड़ा बड़ा हुआ था लेकिन गिर गया, जब इसको पॉट को चेंज किया तो गिर गया। तो देख सकते हैं इस तरह से चीकू भी लग रहा है, लेकिन ये जो है पॉट 8 इंच या 10 इंच वाला पॉट है, प्लास्टिक का जो बकेट आता है पेंट वाला, तो उसको निकाल करके इसको बड़ा में लगा देंगे। जो 20 इंच का आता है उसी में लगा देंगे इसको। और जितना ग्रो बैग आप देख रहे थे सभी का मिट्टी को नीचे निकाल दिए थे, निकाल के अच्छे से इसको सुखा भी दिए हैं, और सुखाने के बाद इसमें नीम खली जो होता है उसको मिला दिए हैं, और जो गोबर की खाद होती है उसको मिला के सभी को अच्छे से भर दिए हैं। और इसमें जितना भी पुराना पत्ते वगैरह सब नीचे में डाला हुआ था सारा डिकम्पोस्ट हो गया था फ्रेंड। तो इसको 3 से 4 दिन अच्छे से सुखा दिए थे सभी ग्रो बैग में से, और फिर अच्छे से भर दिए, और जो बच गया देख सकते इस तरह से रख दिए हैं, इस तरह से बोरी में भी करके रख दिए। ये भी है, इसमें भी पानी डालते रख जाएंगे ऊपर से, और धीरे धीरे करके बैठ जाता है, बैठने का ये भी डिकम्पोस्ट हो जाता है। इसमें भी कुछ लगा देंगे, तो अब इसमें जो है बैगन वगैरह लगा देंगे। इसमें भी अच्छे से खली उली सब मिला दिए, नीम खली भी मिला दिए। और एक यहाँ पर देख सकते हैं ये बैगन बिले जो कटिंग से लगा हुआ था वो प्लांट, इसको भी 20 इंच का पॉट में लगा दिए। अब एक जो ये देख रहे हैं फ्रेंड, ये कार्टून जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान आता है उसी का कार्टून है, तो चलिए इसमें क्या लगाते हैं आपके साथ भी शेयर करते हैं। ये भी देख सकते हैं फ्रेंड, ये खस का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है उस वही है। तो इसके नीचे में जो भी हम की अपना गार्डन से कचरा निकालते थे नीचे में पूरा भर दिए थे, और ऊपर से जो है उसके ऊपर से एक लेयर जो है जो किचन वेस्ट में जो हम लोग छान करके रख देते हैं जो फिर बच जाता है उसको भर दिए, ऊपर से मिट्टी वगैरह भर दिए हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर भी इकट्ठा भी किए हुए हैं, तो इसको भर दिए हैं। तो कुछ मेरे पास में सब्जियों के प्लांट हैं, जैसे ये बैगन है, ये टमाटर है, ये बीन है, देख सकते हैं बीन्स है, और ये जो है लाल साग है। तो इसी को ग्रो करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फैल भी है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा भी है, और इसको ज़्यादा गहराई भी नहीं चाहिए फ्रेंड। तो इसको भी इसी को ग्रो करते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से ब्लैक कलर का, और इसमें कितना चमक है। तो बस इसी को थोड़ा सा ऊपर से डाल देते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता। इस तरह से डालने के बाद ऊपर से एक लेयर जो है थोड़ा हल्का, क्योंकि सीड्स जो है बहुत छोटा छोटा सा, ये जो महीन वाला जो बालू होता है उसी को डाल देते हैं। इसमें नीम वगैरह का भी पाउडर डाल दिए थे ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। बस इस तरह से डालने के बाद ये बॉटल में जो है साफ फंगीसाइड पाउडर थोड़ा सा डाल दिए थे ताकि अगर कीड़ा वगैरह भी लगे तो साफ जो होता है कीड़े वगैरह को भगाता है। इस तरह से करके इसमें स्प्रे भी कर देते हैं फंगीसाइड का। इसको जो है किसी चीज़ से ढक देंगे, ढकने से जो होता है थोड़ा जल्दी जर्मिनेट होता है। तो देखते जैसा रिजल्ट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो कुछ सीड्स है फिर
इसको जो पानी वाला जो बॉटल होता है, सॉरी प्लास्टिक का जो बॉटल होता है, कप होता है, उसी में लगा देंगे ताकि पता चल जाएगा। या छोटे छोटे से जो पॉट होगा खाली, उसमें लगा देंगे। इसको सुबह में लगाएंगे, अभी दोपहर का समय हो रहा है। इसको इसी तरह से कर करके इसको ढक देंगे किसी प्लास्टिक वगैरह से, अच्छे से जर्मिनेट होगा। उसके बाद में ही इसको हटा देंगे ताकि इसमें धूप भी लगे, नहीं तो जितना भी अगर धूप नहीं लगेगा तो सब नीचे गिर जाएगा और प्लांट जो है, जो भी इसमें लाल साग है, वो नहीं ग्रोथ करेगा अच्छे से। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो फ्रेंड, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे मैं सब्जियाँ वगैरह जल्दी नहीं लगाती, लेकिन आप लोगों को देखते कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं भी लगाना शुरू कर दी हूँ। देखती हूँ जो भी रिजल्ट होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो फ्रेंड, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा फ्रेंड। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।